बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर अंबेडकर पार्क में बसपा नेताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ मायावती का 65वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बसपा नेताओं ने अपनी नेता को शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के इस मौके पर अंबेडकर पार्क पहुंचे नगीना सांसद गिरीश चंद्र एवं मुख्य सेक्टर प्रभारी रणविजय सिंह वेद प्रकाश सिंह द्वारा बहन कुमारी मायावती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए जन्मदिन की बधाई दी गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 65वें जन्मदिन के अवसर पर सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में बसपा समर्थकों द्वारा एक विशाल आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य सेक्टर प्रभारी रणविजय सिंह, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह, उत्तम सिंह चौहान, सोमवीर आदि ने कहा कि बहन जी ने हमेशा गरीबों शोषितों के लिए काम किया। साथ ही ये भी कहा कि बसपा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि बसपा सरकार के समय बेहतर कानून व्यवस्था के साथ हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय होता था, कहीं भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं थी। बहन जी के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें ताकि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें वोटर अपनी सहभागिता निभाते हुए बसपा सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाने का काम करेगा। जन्मदिन के इस मौके पर बसपा नेताओं ने अपनी नेता की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही पार्टी को आने वाले चुनावों में पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने का लोगों से आह्वान किया। जन्मदिन के इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई और बहन जी के जन्मदिन के इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को कंबल भी वितरित किए गए। इस मौके पर डॉक्टर सुनील भारती, अरविंद गुप्ता, शीशपाल सिंह, सतपाल कश्यप, सुनील आजाद समेत तमाम नेताओं के साथ बसपा नेता मौजूद रहे। अगर इनका बनाना चाहते हो तो अपनी दोनों सीटों से रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो। मैं मुरादाबाद बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह, आज हमारी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। उन्हें 65वें जन्मदिन पर हमारे तहे दिल से हमारे सब साथियों के साथ जिला यूनिट के साथ उन्हें लख लख बधाइयाँ। बहन जी हमारे लिए संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष करती रहेंगी और हम उनके साथ हमेशा चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। आज हमारी बहन जी ने अपने 65वें जन्म दिवस पर केक काटने और मिठाई बांटने की ये मना किया और कहा कि गरीब और बेसहाराओं को कंबल और कितने लोगों की भीड़ है इस समय। हमारा अंबेडकर पार्क भरा हुआ है, हजारों की तादाद में लोग गांव देहात से यहां आए हैं। आप सब मीडिया बंधु देख सकते हैं, सांझ को आँच नहीं होती। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया।